दुनिया है। तब जाकर के मुलाकात हुई हमारी, और उसी रात में जो है और जो भी शादी वगैरह का। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं राजा ब्लॉग बिहार समस्तीपुर से एक बार फिर से मैं आपका पांव छू करके प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि जो भी हूं आप लोगों की वजह से हूं। आप लोगों ने सपोर्ट किया तब जाकर के राजा ब्लॉग आगे बढ़ा, लाखों सब्सक्राइबर हुआ है, मेरे माता पिता का, मेरे फैमिली का कंडीशन ठीक हुआ है, जो भी हुआ है आप लोगों की वजह से। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं जीरो होता, शून्य होता, कुछ भी नहीं होता। जो भी हूँ मेहनत किया हूँ, आप लोगों ने देखा है, सराहा है, प्यार दिया है, तब जाकर के इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। और कल हमने एक व्लॉग बनाया था जिसको मैं अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि हम और मिसेज राजा व्लॉग किस तरीके से मिले थे, यानी जो हमारी वाइफ है हम लोग कैसे मिले थे, है ना। तो आप लोगों के काफी सारे कमेंट होंगे क्योंकि अचानक से ये वीडियो डालना भी जरूरी था, क्योंकि ये चीजें जो है 6 महीने पहले ये सारा कुछ हो चुका था जो भी हमारे लाइफ में हुआ था। और मैंने कल वाले में व्लॉग में भी एक्सप्लेन किया था, आज भी एक्सप्लेन मैं अच्छे तरीके से कर दूंगा, और कैसे हम लोग मिले थे, कहां मिले थे, किस तरीके से मिले थे, खूब बढ़िया तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। और मम्मी पापा को हम किस तरीके से हम बताए हैं, हालांकि मेरे माता पिता पूरा फैमिली हमारे सपोर्ट में है, सब लोग अच्छे से प्यार कर रहे हैं हमें और इस चीज को लेकर पॉजिटिव में है और सब लोग खुश है, इससे बड़ी बात क्या होता है एक लड़का के लिए। और मैं आपको मैं एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा फैमिली, मेरे जैसा फैमिली हर किसी को मिले, क्योंकि हर समस्या को लेकर के, हर प्रॉब्लम को लेकर के कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग रहता है हमको लेकर के कि हाँ राजा कोई बात नहीं, ये चीजें हो रही लाइफ में तो होने दो, तुम बस आगे बढ़ते रहो। तो मम्मी पापा को जब हम पहली बार बताए थे तो उस टाइम मम्मी पापा का रिएक्शन पता है, थोड़ा सा गुस्सा आया था, लेकिन बाद में मम्मी पापा मान गए। हमारी बहनें जो है सिस्टर, सरिता दीदी हो गई, पूजा दीदी हो गई, खुशबू दीदी हो गई, नूतन दीदी हो गई, रागनी हो गई, सुहानी हो गई, सब दीदियां जो है बढ़िया तरीके से मान गई, खुशी की बात थी। और ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा था कि हमारे घर पर जो है लड़के वाले देखने के लिए आते थे तो उस वजह से हम अच्छे तरीके से खुल के बोल नहीं पाते थे। हालांकि मैंने 6 महीने पहले हमने व्लॉग भी बनाया था, उसमें भी अच्छे तरीके से हमने क्लियर कर दिया था कि आपकी भाभी है वो आने वाली है, लेकिन मम्मी पापा को भी अंदाजा नहीं पड़ रहा था, लेकिन ये चीजें बताना जरूरी था, क्योंकि जब जो ऐसा ऐसा चीजें होता है लाइफ में कि वो चीज अगर आप कर जाते हो और उसको अगर अपने माइंड में अगर छुपा के रखते हो तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है ना कि टेंशन सा होता है, डिप्रेशन से कोई काम नहीं कर पाओगे, ऐसा सीन है। तो फिलहाल मैं आज के वीडियो में अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हम और आपकी भाभी जो है मिसेज राजा ब्लॉग वो कैसे मिले थे। तो एक ही जगह कैमरा को पकड़े पकड़े ना मतलब हाथ दर्द होने लगता है, तो अच्छे तरीके से हम बात करते हैं। और मुझे ये चीजें पता नहीं कि मैं कैमरा एंगल कैसे पकड़ू, क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल वीडियो शूट नहीं होता, हमारे लाइफ स्टाइल की कहानी है और जो हमारे लाइफ स्टाइल से रियल गुजरी है। तो वो चीज टिकटॉक बैन हुआ था 2019-20 की बात है, तो उस टाइम वो काफी मैसेज वगैरह किया करती थी, क्योंकि उस टाइम में हजारों मैसेज आता था और टिकटॉक पे हमारे 8 लाख फॉलोवर थे। 8 लाख फॉलोवर होने के कारण आप समझ सकते हो कितना मैसेज आता होगा। तो उसमें हम बिजी वगैरह रहते थे, वीडियो वगैरह बनाया करते थे, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ कि टिकटॉक बैन हो गया। बैन होने के बाद आपको पता है कि एक क्रिएटर के लिए 8 लाख फॉलोवर बहुत मायने होता है लाइफ में लेकर के, तो वो मेरे लिए समझिए कि एक सबसे बड़ा बुरा दिन था, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, तब जाकर के मैं राजा व्लॉग बना हूँ। आज मैं यूट्यूब से जो भी चीज़ें अर्न तो कर पाता हूँ, अपनी फैमिली को चला तो लेता हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद क्या हुआ कि एक और एप्लीकेशन आया था जिसका नाम था स्नैक, तो वो नया नया शायद लॉन्च हुआ था, वो भी अपना इंडिया का नहीं था, तो किसी भैया ने बताया कि आप इस पर मेहनत करो, तो उस पर हमने वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया। वीडियो डालना स्टार्ट किया तो उस पर 3,34,000 फॉलोवर हो गए, वो भी 1 महीने के अंदर में ही। तो फिर क्या हुआ कि जब 1 महीने तक उस पर मेहनत किए तो वो भी बैन हो गया। बैन हो गया तो बैन होने से 2 दिन पहले बचा हुआ था, 2 दिन पहले मैंने मैसेज पढ़ा और किस्मत से जो आपके मिसेज राजा व्लॉग का ही मैसेज मैंने पढ़ लिया। तो मैसेज पढ़ा तो उसमें नंबर वगैरह होता है एक आम लड़का लड़की के लिए कि जब कभी किसी भगवान जो होता है ना, कभी जोड़ी मिलाना होता है तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, तो वो चीज हुआ। तो मैं भी सोचता था कि जब बैन होने वाला तो चलो किसी न किसी से बात कर लिया जाए, मेरे दिल में ऐसा था। तो मैंने उन्हीं का मैसेज पढ़ लिया, उन्होंने बोला कि आप ये मेरा नंबर है इस पे कॉल कीजिएगा या फिर अपना नंबर दीजिए। उन्होंने नंबर भी दिया था, लेकिन हालांकि उनका पापा का वो नंबर था, तो मैंने अपना नंबर दे दिया। 2 दिन बाद जो है उन्होंने कॉल किया, उनका प्रोफाइल वगैरह मैंने चेक किया, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती है, जब वो आएंगे ना तो 4 चांद लग जाएगा, भगवान की कृपा से आप लोग बस प्यार दुआ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सब ठीक हो जाए लाइफ में। तो क्या हुआ, जब उनका 2 दिन बाद कॉल आता है तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी फैन हूँ, वीडियोस वगैरह देखती हूँ, आप बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हो, आप बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, मैंने देखा ये चीज़ से। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, मोटिवेशन मिला कि अरे चलो भाई कोई लड़की है जो उनके कॉल पे आकर के हमें मैसेज कर रही, क्योंकि उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात होता था, हम लोग कुछ नहीं थे, कमाते भाते नहीं थे, एक तरह समझिए कि वीडियोज वगैरह बनाते थे, आशाएं थी कि आगे बढ़ेंगे। तो क्या हुआ कि जब उनसे बात हुआ उस दिन, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि
एक महीना तक कोई बात ही नहीं हुआ, उसी रात को बात हुआ, 12 बजे रात में कॉल हुआ, फिर एक महीना बाद कोई बात नहीं हुआ, एक महीने बाद फिर से कॉल आता है, तो वो उनके भैया के नंबर से, दूसरे नंबर से तो कॉल आता है, तो उस टाइम हम कॉल उठाए, मेला का टाइम था, मेला में घूमने गए थे हम, तो उसी टाइम कॉल उठाए, तो बोले कि देखिए मैं इतने महीने तक मैं कॉल नहीं कर पाई और लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। हमने बोला ठीक है, और हालांकि एक एक वो टीचर है आपके, जो मिसेज राजा ब्लॉग वो टीचर है, स्कूल वगैरह में पढ़ाने के लिए जाती थी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं तो फेलियर हूँ, वो तो पास है, और बहुत पढ़ने में भी तेज है, माइंड की भी बहुत तेज है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर ली थी वीडियोज को लेकर के, ये बहुत बड़ी बात है जो हमारे लाइफ को और ज्यादा कहीं ना कहीं आगे लेकर के जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो आपके बातों को समझे, आपके काम को समझे, वो तब जाकर के आप आगे बढ़ोगे। तो क्या हुआ, अभी तो मम्मी पापा सब लोग खुश है जैसा कि आप लोग को हम बता दिए हैं। तो क्या हुआ कि एक महीने बाद कॉल आता है, उस टाइम से जो कंटिन्यू हम लोग बात करने लगे, और बात जो है धीरे 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 प्यार में नहीं बदला था, वो हमें मोटिवेट करती थी, और मैं उस टाइम यूट्यूब पे फिर वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया, पहले बीच में एक डिमोटिवेट हो गया था तो यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर दिया वीडियो, तो मेरे यूट्यूब पे वो वीडियोस वगैरह देखती थी, तो बोलती थी ये वीडियो अच्छा है, ये वीडियो अच्छा है, आप ऐसे कर रहे हो, करते जाओ, आप अच्छे लग रहे हो इसमें, ये चीज़ आपने कॉमेडी अच्छी करी, तो वो हमको मोटिवेट करती थी। ये नहीं कि ऐसा कभी कभी क्या होता है ना कि लड़का लड़की में शारीरिक संबंध वाला प्यार हो जाता है, लालच वाला, वो नहीं था मेरे अंदर, क्योंकि मेरे अंदर एक ही जज्बा था कि जो लोग हमें डांटते हैं, जो लोग ताना मारते हैं, उनको प्रूव करके दिखाना है कि यही काला कलूठा लड़का, यही जमीन से जुड़ा हुआ लड़का, यही माटी में लपेसा हुआ लड़का जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, वो एक दिन सोशल मीडिया पे आगे बढ़ेगा, लोगों के बीच में अपना राजा ब्लॉग नाम बनाएगा, तब जाकर के मुझे उस चीज को लेकर के मुझे बहुत मैं टेंशन में रहता था कि कैसे क्या होगा, मेरे माता पिता बहुत गरीबी से गुजर रहे हैं, कैसे बहुत सारी चीजों को लेकर के, तो वो मोटिवेट करते गए हमारे लाइफ में। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ बात करते करते कि उन्होंने एक दिन ऐसा हो गया कि वीडियोस वगैरह वायरल नहीं होता था, पहले 10 व्यूज 20 व्यूज ऐसा आ जाता था हमारे वीडियोस पे, तो हम बात करते थे उनसे, तो वो बोलती थी अच्छा कर रही है, वो तो मोटिवेट करते ही करते थे। क्या हुआ कि हम जाने वाले थे राजस्थान की ट्रिप पे ब्लॉग करने के लिए, लेकिन ब्लॉग करने के लिए भाई किसी से मिलना था हमको जाकर के, वहाँ पे बहुत सारे वायरल स्टार थे, हमने सोचा मिल लेंगे ना थोड़े बहुत तो हमारी वीडियो वायरल होगी, लेकिन मिलने के लिए पैसा मैटर करता है, तो मम्मी पापा उस टाइम, मम्मी पापा का तो बात छोड़ ही दीजिए, पहले डांटते थे और बोलते सीधा पढ़ाई करो, वीडियो बनाना बंद करो, यही सब, अब जाके सब सही हुआ है जैसा कि आप लोगों को पता है। तो मैंने उनको रात में कॉल किया कि देखिए मेरे चक्कर में मत रहिए, मुझसे बात मत कीजिए, लोग गलत समझेंगे, और वो रात में अपने भैया का पापा का कॉल ले लेती थी क्योंकि सब लोग सो जाते थे, तब वो जगती थी हमसे बात करने के लिए, तो ऐसा होता था, उनके पास फोन नहीं था, तो मैंने उनको बताया कि देखिए ऐसी सेव वाली बात है और मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से हूँ, बड़ा मुश्किल से मैंने ये फोन वगैरह लिया है, तो ऐसा ना हो, परेशानी हो कि आप मेरे चक्कर में रहो और मैं अपनी लाइफ को कुछ कर ना पाऊं, तो बात मत कीजिए हमसे, मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला किस चीज़ की जरूरत है, तो मैंने खुल के बोला कि देखो मुझे इतने इतने चीज़ों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम लगा देंगे, तो हमने बोला ऐसे कैसे, तो उन्होंने बोला कि मैं पैसा वगैरह बचा करके रखती हूँ, तो वो सब चीजें लगा देंगे, तो थोड़ा बहुत उन्होंने लगाया हमारी लाइफ में, उस पैसे को लेकर के मैं राजस्थान गया, मम्मी पापा इधर उधर से काम वगैरह किए थे, सारा पैसा को मैंने इकट्ठा किया, आ जाऊंगा इनसे मिलूंगा, इतना पैसा खर्चूंगा, ये बस पकड़ूंगा, तो वो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा मुश्किल घड़ी था, जो भगवान किसी भी ब्लॉगर किसी भी यूट्यूबर को ना दे, वो समझिए, उस टाइम मैं बेहोश भी हो गया था, मैं बस स्टैंड पे जब वहां पे गए थे, वो सारा चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका है अगले ब्लॉग में। तो उन्होंने जब पैसे लगाए तो मैंने बोला आपने क्यों मेरे ऊपर, एक अनजान लड़का के ऊपर आपने पैसे लगाए, तो उन्होंने बोला कि आपके ऊपर विश्वास है, आप ये चीजें कर जाओगे और मुझे पैसे नहीं चाहिए, जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे हाथ को थामोगे, और मेरे लिए टेंशन हो गया, हम बोले ऐसे कैसे हो सकता है, अब मेरे अंदर ये चीज एक चीज आशा थी कि मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन एक तरफ टेंशन भी था कि मैं जिन लड़की से बात कर रहा हूँ कि लाइफ में धोखा ना हो जाए उसके साथ, मैं अगर ना बढ़ू ये सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, कैसे क्या होगा, यही सच्चाई था, यही चीजें था कि मैं पता है मैं किस तरीके से मैं हर चीजों के लिए तरसता था, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, जो कि उन्होंने उस टाइम में उनका समझिए कि कुछ पैसे हमारे लिए बहुत बड़ा काम आ गया, बहुत बड़ा काम आ गया, क्योंकि माता पिता हमारे अगल बगल के कोई भी सपोर्ट नहीं करते थे, जो भी करता था अपनी वजह से ही करता था। तो मैं राजस्थान ट्रिप पे गया, राजस्थान ट्रिप से आने के बाद क्या हुआ कि हमारे एक रिसेंटली 22 मिनट का ब्लॉग जो है वायरल हो गया। वायरल होने के बाद क्या हुआ कि मैंने अपना फैमिली ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। मम्मी पापा को फर्स्ट पेमेंट दिए तो मम्मी पापा को लगा कि हाँ यूट्यूब पे पैसा है, तो मम्मी पापा को हमने बोला कि मैं अपने लाइफस्टाइल में ब्लॉग में दिखाना चाहता हूँ। तो उस टाइम बहुत लोग घबराते थे लाइफस्टाइल दिखाने के लिए कि कैसे दिखाएं, कैसे क्या सोचेंगे लोग। मैंने मम्मी पापा को बोला कि मैं अपना लाइफस्टाइल में दिखाना चाहता हूँ अपने फैमिली ब्लॉग के हिसाब से। और ये भी आइडिया जो है आपकी मिसेज राजा ब्लॉग की थी, उन्होंने ही बताया था कि आप लोगों से मिलने के लिए जाते हो, तो आप ऐसा करो ना कि मिलना जुलना तो होता रहेगा, अपने बारे में भी लोगों को बताओ, क्योंकि ये सब चीजें के बारे में उनको जानकारी थी। तो उन्होंने ये
मुझे मोटिवेट करके बोला कि अपने मम्मी पापा को मनाइए और जो फर्स्ट पेमेंट आएगा उसमें से एक रुपया भी खर्चा मत कीजिएगा, अपने माता पिता को दीजिए। सोचिए वो लड़की, एक लड़की क्या होता है कि लड़का लड़की में प्यार होता है, शारीरिक संबंध होता है, दोनों मौज मस्ती करते हैं, एक दूसरे को धोखा दे देते हैं, लेकिन नहीं, मेरे लाइफ में मैं कसम खा के बोलता हूँ, वो लड़की इतना ज्यादा काम हुई, इतना मोटिवेट की कि मतलब समझे कि शायद ही किसी को ऐसा लड़की मिले, और मैं चाहता हूँ कि मतलब क्या ही बताओ, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ। फिर क्या हुआ, मैं अपना फैमिली ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया, वीडियो मेरे वायरल होने हो गया, सारा कुछ वायरल होना स्टार्ट हो गया, मम्मी पापा को माय फर्स्ट पेमेंट का पैसा भी दिए, माता पिता हमारे सपोर्ट में, पूरी फैमिली के जो है माइंड चेंज हुआ, तब जाकर के आपका राजा ब्लॉग बनने लगा। जब हमारे YouTube चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया, जब रागनी सिस्टर की शादी होने वाली थी, तो क्या हुआ कि उस दौरान जब हमसे वो बात करती थी तो उनके माता पिता, देखो किसी का भी घर का बेटी अगर बात करेगी हमसे तो किसी न किसी माता पिता को डाउट होगा ही कि भाई ये कौन सा लड़का से बात करती है। तो कभी कभी अपने पापा से भी डांट सुनती थी, किसी दिन मम्मी पापा से मार भी खा जाती थी, लेकिन उन्होंने खोल के बताया कि राजा ब्लॉग है और मैं उनसे बात करती हूँ, ये सारा कुछ खुल के उन्होंने अपने माता पिता को बताया। तो उनके पापा ने बोला कि है, अगर वो लड़का है अच्छा है तो कहो उनको आने के लिए मेरे घर पे। हालांकि मैं एक बार उनके घर पे मैं जा चुका, कानपुर उत्तर प्रदेश में मैं फैक्ट्री में काम करता था, मैं जा चुका था, लेकिन उस टाइम जो है ऐसे मतलब फैन बेस होता है ना कि एक हीरो बन के गया था, उस टाइम मैं कुछ नहीं था, एकदम बिल्कुल जीरो था, लेकिन उस टाइम वीडियो बनाते थे तो फैन के नाते हमको बुलाई थी सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए कि आप आइए हमारे गाँव। तो ये सब सारी चीजें था, लेकिन उस टाइम उनके पापा अच्छे तरीके से नहीं जानते थे कि हम ही वो लड़का है। तो फिर क्या हुआ कि जब रागनी सिस्टर की शादी वगैरह हो गया, सारा कुछ हो गया, तो उनके घर पे जो प्रॉब्लम होने लगा कि तुम किस लड़का से बात करती हो, क्यों करती हो, तो उन्होंने बताया, तो उनके पापा ने वीडियोस वगैरह देखा तो बोला कि लड़का को बुलाओ, हम लोग मिलना चाहते हैं। तो उस टाइम तक अपने फैमिली को हमने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बताया था, अच्छा किया था हमसे कि जब आप सक्सेस करिएगा लाइफ में, थोड़ा सा भी आप बढ़िएगा तो प्लीज मेरा हाथ मत छोड़िएगा, क्योंकि आपसे बहुत आशाएं हैं और मैं बहुत आपको मानती हूँ और आप बहुत मेहनती हैं उस चीज को लेकर के। तो क्या हुआ कि उनके घर में परेशानी होने लगी, उनके मम्मी पापा उनको डांटने लगे कि वो बिहार का लड़का है, फेमस हो गया है, स्टार है, बहुत सारी बातें उनको बोलने लगी जो आम जिंदगी में होता है। तो उन्होंने हमको बताया कि ऐसी ऐसी वाली बातें, बोला कि आप मेरा हाथ मांग लीजिए और घर में परेशानी हो रही है और हमारे साथी जो कहीं और होने वाले है। तो भाई जो लड़की ने हमें मोटिवेट किया, इतना लाइफ में आगे बढ़ाई, मैं चाहता था कि मैं अपने माता पिता को बढ़िया तरीके से खुल करके बताऊंगा तब ये डिसीजन लूंगा, लेकिन सब कुछ सही हो गया, रागनी सिस्टर की शादी हो गई, तब जाकर जो है मैं उनके घर पे गया, मैंने बोला कि बहन के शादी कर लेंगे, मैं आऊंगा सारा बात करूंगा। मैं गया हिम्मत जुटा करके उनके पापा के पास में, डर तो लग रहा था कि कहीं कोई बात ना हो जाए, तो उनके पापा बहुत समझदार थे, उनके मम्मी भी बहुत समझदार थी, गए अच्छा से सेवा खातिरदारी हुआ, हम लोग बढ़िया तरीके से बात किए और हमने डायरेक्ट बोला कि हम जो है इनका हाथ चाहिए हमें, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ अभी, नहीं सब कुछ आराम से होगा धीरे धीरे। तो तब जाकर के मुलाकात हुई हमारी, और उसी रात में जो है जो भी शादी वगैरह का था वो सब चीजें अभी खुल के नहीं बताएंगे, बस ये है कि शादी हो चुकी है, वाइफ है हमारी वो, और उनको अभी नहीं ला पा रहे हैं हम, ऐसा सीन है, सारा कुछ है, खुल के नहीं बताएंगे। और अभी जो है देखो वो शादी जो है ना हम और उनके बीच में ही हुआ था, ठीक है, एक रात की बात है, यानी 1 बजे करीबन की बात है, हम और उनके बीच में ही हुआ था। जो आपकी मिसेज राजा ब्लॉग है उनके मन में चल रहा था कि अब तो ये यूट्यूबर बन गए, शायद हमको ना अपनाए, हमारे लाइफ में ना आए, इनके लाइफ में तो बहुत सारी लड़कियां आएंगी। तब जाकर मैंने ये डिसीजन लिया कि अगर आपको ऐसा लगता है तो हम दोनों शादी कर लेते। तो उस रात में ऐसा सीन हो गया शादी वादी का, उस चीज का शायद थंबनेल पे फोटो लगा होगा थोड़ा सा, लेकिन ऐसे ही हम दोनों का मुलाकात हुआ और यही एक छोटी सी स्टोरी थी हमारे लाइफ को लेकर के। लेकिन हाँ, लव स्टोरी ऐसा हो जो लड़की अगर आपके जीवन में साथ दे, आपके कर्म को लेकर के आगे बढ़ने का कामना करे, आपको मोटिवेट करे, उसी लड़की का हाथ थामना, ऐसा नहीं कि आप किसी का भी थाम लो, उसका जो है फायदा उठा लो और वो भी आपका फायदा उठा ले, ऐसा मत करना लाइफ में। सक्सेस हो जाओ, अपने लाइफ में कुछ कर लो, तब जाकर के आप करो। मैं अपने यूथ जनरेशन जो भी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, ये ना सोचे कि राजा ब्लॉग ने ऐसा किया तो मैं भी कर लूंगा, पहले आप अपने लाइफ में कामयाब हो, माता पिता को प्रूव करके दिखाओ कि मैं लाइफ में कुछ कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। तो यही एक छोटी सी कहानी थी, तब जाकर के हम दोनों मिले और उनके घर में प्रॉब्लम यही चल रही है कि उनके जो हमारी मिसेज राजा ब्लॉग है उनकी एक बड़ी सिस्टर है जिनकी अभी शादी लगने वाली, उनकी शादी हो जाएगी 1 या 2 या 3 मंथ के अंदर में, जितना हो सके, जितना मतलब समझिए 5 मंथ का मैं टाइम ले रहा हूँ आप लोगों से, हो जाएगा तब वो हमारे घर आएंगी। और घर नहीं, अभी जो है कुछ रूल है वो चीजों को लेकर व्लॉग भी आएगा समझिए, और धूमधाम से बैंड बाजा बारात लेकर के शादी वगैरह होगा, जो चीजें होगा सब बढ़िया तरीके से व्लॉग में दिखाने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग दुआ आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग का जोड़ी सलामत रहे, माता पिता के साथ हम लोग खुश रहे, आप लोग को एंटरटेनमेंट करते रहे, और बस ऐसे ही यही एक छोटा सा कहानी था और तब जाकर आपका राजा व्लॉग बना।
तब आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिया। मोटिवेट करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए आपके लाइफ में जो आपको समझे, आपको आगे बढ़ाने की कामना करे। क्योंकि मैं एक ऐसा लड़का था अपने आप को, मैं जीवन से मैं कोसता आ रहा था कि मेरा शकल अच्छा नहीं है, मेरा हाइट वेट अच्छा नहीं है, मुझे कौन पसंद करेगा, कौन मेरे वीडियो को लाइक करेगा, कौन मुझे मेरे लाइफस्टाइल को देखना इंटरेस्ट रखेगा। तो यही सब सारा कुछ था। बस आप लोग प्यार देते रहो, सपोर्ट देते रहो, चैनल पे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। कल जो है हम लोग एक स्कूटी लेने वाले, भगवान की दया से आप लोग आशीर्वाद दीजिए अपने राजा ब्लॉग को। आज के वीडियो के लिए इतना, चैनल पे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बगल में इंस्टाग्राम के जाकर के फॉलो करो, बगल में फेसबुक पेज है वहां पे भी बड़े बड़े वीडियो आने वाले हैं, तो जाकर के फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन, अपने राजा भाई को ऐसे सपोर्ट करो, चैनल पे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और मैं एक चीज में एक और टारगेट रखना चाहता हूं, 3 लाख आप लोग फटाफट करवा दो, मैं आपको भाभी से मिलवा दूंगा, उस दिन हमारी शादी भी फिर से पूरे समाज के साथ मम्मी पापा के साथ में हो जाएगा, और अच्छा से आप लोग देख लेना, मिल भी लेना उनसे। और क्या, चैनल को फटाफट अभी इसी बात पे सब्सक्राइब कर लो, अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।